इस वीडियो में दो पार्ट है। पहला जो है लगभग 80% वो है अपना एथनोबॉटनी, और लास्ट के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डेंड्रोलॉजी, जो हर्बेरियम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेंगे लास्ट में, क्योंकि वो बहुत छोटा पार्ट है तो इसी के साथ इंक्लूड किया है। अब मेन मुद्दा आता है कि आखिर ये एथनोबॉटनी है क्या। तो इस वीडियो में हम जो एथनोबॉटनी है उसके बारे में क्या पढ़ाएंगे, पहले तो हम ये समझेंगे कि एथनोबॉटनी है क्या, यानी कि उसकी डेफिनेशन वगैरह, फिर इसका हमारे लिए इम्पोर्टेंस है क्या। इतना समझ लिया तो आपका एथनोबॉटनी वाला पार्ट जो है वो काम हो गया। इसके साथ साथ आपको दो टर्मिनोलॉजी भी सीखोगे, जिसमें एक होता है बायोपायरेसी और बायोप्रोस्पेक्टिंग। ये आपके जितना इस सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है ये दोनों टर्म, बायोपायरेसी और बायोप्रोस्पेक्टिंग, उसके साथ साथ ये जीएस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो प्लांट डोमेस्टिकेशन है, इसके साथ इशू ये है कि ये एक्चुअल में जो एथनोबॉटनी जो बॉटनी वालों का है सिलेबस है उसमें जुड़ा हुआ है, लेकिन आपके में नहीं है। लेकिन पैटर्न इस टाइप का है कि जो उनके सिलेबस के क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल वही 2-4 सालों में आपके यहाँ घुस रहे हैं, तो इसलिए उनके कंटेंट को थोड़ा ले लिया है। अगर कोई पेज 2 पेज में अपना काम हो रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है 2 पेज को एक्स्ट्रा पढ़ लेने में। अब रही बात आती है प्लांट इंट्रोडक्शन की, तो प्लांट इंट्रोडक्शन कोई नई बात नहीं है, इसे अपन पहले 2 बार पढ़ चुके हैं, सिल्वीकल्चर में भी देख चुके थे और ट्री इम्प्रूवमेंट में भी, जो एक्जोटिक को इंट्रोड्यूस किए थे। तो बस ये वही है कि ओल्ड वाइन एंड न्यू बॉटल, बस ये कि थोड़ा सिस्टमेटिक मिल गया था तो मैंने सोचा चलो इसे भी यहीं पर एक बार डिस्कस कर देता हूँ, रिविजन हो जाएगा। और इसके बाद एक है एनर्जी प्लांटेशन। एनर्जी प्लांटेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो इस टॉपिक से नहीं है, बट इसका एनर्जी प्लांटेशन का जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो है जीएस के लिए, जो इसका कैसे किस टाइप से जीएस से लिंक होगा वो जब एनर्जी प्लांटेशन आएगा उसी की स्लाइड में आपको बता दूंगा। बट आपको ये याद रखना है कि देखो प्लांट इंट्रोडक्शन पहले भी हो चुका है वो, तो लिंक टॉपिक था इसलिए किया है। डोमेस्टिकेशन इम्पोर्टेंट था उससे बॉटनी की वजह से लिंक होने की वजह से, और एनर्जी प्लांटेशन आपका जीएस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो एथनोबॉटनी वाला पार्ट है वो आपके जीएस और फॉरेस्ट्री के दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब मुद्दा आ जाता है यहाँ मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट जो सबसे लास्ट में आएंगे, तो इसमें अपना जो एथनोबॉटनी वाला पार्ट है वो कवर हो जाएगा आपका नोट्स का। तो पहले हम देखते हैं कि एथनोबॉटनी आखिर है क्या। एक होता है एथनो, आपने सुना होगा एथनिक, यानी कि कोई कम्युनिटी है, बॉटनी मतलब प्लांट। ये एथनोबॉटनी एक्चुअली है क्या, इसमें हम स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है वो एंशिएंट टाइम से आज तक प्लांटों पर डिपेंड है और उन प्लांटों को यूज करती आई है अपने वेलफेयर के लिए। तो ये मतलब ह्यूमन बीइंग और प्लांट आपस में एक दूसरे से जुड़ गए हैं, ये इस टाइप से क्लोजनेस है कि प्लांट इनके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते और ये प्लांट के बिना नहीं। तो एक्चुअली हमें हमारा इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि हम अपने जो ट्राइबल जो नॉलेज था या अपने जो विलेज लेवल की जो नॉलेज थी, तो हमने मॉडर्नाइजेशन के नाम पर इन चीज़ों को बर्बाद कर दिया। तो अब हम चाहते हैं कि इस टाइप की जो नॉलेज है जो कहीं भी मिल जाए बची हो जहाँ से भी मिल जाए उसको बाई बैक करें, हम उसे ले के आएँ। क्यों? क्योंकि अभी जब आप एथनोबॉटनी का इम्पोर्टेंस समझोगे तो ये उसके लिए, ये आज की इकोनॉमी का बेस बनाएगा। अगर आपको रूरल डेवलपमेंट करना है, जो फार्मर की इनकम डबल करनी है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना है, क्लाइमेट चेंज से बचना है, तो ये सभी में कहीं ना कहीं एथनोबॉटनी ही बेस बनाती है। तो ये स्टडी क्या है एथनोबॉटनी, ये स्टडी है कि कैसे हम एंशिएंट टाइम से प्लांटों को यूज करते आ रहे हैं। तो एक्चुअली हम जो यूज करते आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर में आ गया है। जैसे फॉर एग्जांपल नीम, उसकी जो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है, तो इसलिए हमारे यहाँ क्या जोड़ रखा है, कल्चर से नीम जोड़ रखा है, कोई भी देवी देवताओं से जोड़ रखा है, या हम कोई भी फंक्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें नीम की कढ़ी भी बनाओगे तो उसमें कड़ू नीम के पत्ते डालोगे, वेजिटेबल जो आप सुबह शाम जो सब्जी खाते हो उसमें मसाला डालोगे, हल्दी डालोगे, तो इस टाइप की चीज़ें जो हमारे कल्चर का पार्ट बन गई है, तो ये सब की स्टडी टाइप से की जाती है, ये है एथनोबॉटनी। ओके, अब मुद्दा आता है हमें इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज के टाइम पे जो इम्पोर्टेंस के जो सबसे बेसिक पिलर हैं वो 4 सबसे बहुत बड़े इम्पोर्टेंट पिलर हैं। पहला है नई मेडिसिन की डिस्कवरी करने के लिए। एक्चुअली हमारे लोग पहले से जानते थे, ये कोई नई नहीं है, हमारे आयुर्वेद या जो यूनानी या सिद्धा सिस्टम है,
उनमें ये चीज़ें पहले से हैं, बट क्या है कि हमने अपनी चीज़ों को तो बकवास मान के छोड़ दिया और एलोपैथी एलोपैथी खेलने लगे, क्योंकि उसके पीछे एक पूरा नेक्सस था, एक इंडस्ट्री थी। अब क्या किया कि जब अब एलोपैथी में भी आपको कोई नई मेडिसिन करनी है तो कहाँ से आएगी, तो ये वही बैक टू बेदा टाइप का काम कर रहा है कि आप तुम्हारी जो पुराना सिस्टम है, ट्रेडिशनल सिस्टम है, उसकी हम स्टडी करेंगे और वहाँ से नई मेडिसिन करेंगे। तो इथनोबॉटनी में एक्चुअली करते क्या है, जो साइंटिस्ट है या जो इथनोबॉटनिस्ट है, वो ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी के पास जाते हैं, उनके पास रात में रहते हैं और उनके ट्रेडिशन को देखते हैं, और फिर ये देखते हैं कि बीमार क्यों नहीं हो रहा है, या कौन कौन से प्लांट को ये डेली लाइफ में यूज कर रहा है, और फिर उस प्लांट के बारे में रिसर्च करके उससे जो कंटेंट है, एक्सट्रैक्ट है, उसे निकाल करके मार्केट कर लेते हैं। कैसे किया जाएगा उसे एक एक करके आएंगे। तो पहला हमारे लिए इम्पोर्टेंस है नई मेडिसिन के लिए। फिर आज के टाइम पे जो इशू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का चल रहा है, उससे इशू रिलेटेड आएगा, तो उसमें बायो प्रोस्पेक्टिंग और बायो पायरेसी जैसे दो टर्म आएंगे। फिर आज के टाइम पे हम जो फॉरेस्ट को कंजर्वेशन करने की बात कर रहे हैं, उसके लिए फंड नहीं आता, तो क्योंकि आप क्या बोल देते हो कि अरे फॉरेस्ट की क्या वैल्यू है, उसमें कुछ होता ही नहीं है। तो ये कंजर्वेशन के लिए कहीं ना कहीं इथनोबॉटनी प्रमोट कर रही है। दूसरा, हमारा जो इंडिजीनस नॉलेज है उसे बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज दूसरी कंट्रियाँ उसी इंडिजीनस नॉलेज का पेटेंट करके हमसे बोलती हैं कि पेटेंट का वो दो, फंड दो, पैसा दो पेटेंट का, जबकि वो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, हम अनशियन टाइम से यूज करते आ रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए यूपीएससी के जीएस में भी आते हैं, सिविल में भी क्वेश्चन इससे आए हैं, जीएस में अभी आते हैं, और बॉटनी में भी आते हैं, और आपके में तो आने ही आने हैं। तो पहले एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं न्यू मेडिसिन की डिस्कवरी में। तो देखो क्या है, लगभग हम 2.5 लाख के ऊपर पेड़ों को जानते हैं, मतलब ऐसे पेड़ों को जानते हैं जिनसे हमें पॉसिबल है कि इनसे मेडिसिन एक्सट्रैक्ट करी जा सकती है। बट क्या हर पेड़ के हर पार्ट का, एक पेड़ के क्या क्या पार्ट होते हैं, लीफ लीफ है, ब्रांचेज है, मतलब बार्क है, फ्लावर है, सीड की अंदर जो होता है, और बाहर का सीड कोट है, रूट्स हैं, लगभग पंचतंत्र बोलते हैं, मतलब पांच होते हैं, जिसमें जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, इस टाइप से पांच होती है। तो ये पंचतंत्र में आपको स्टडी करोगे उसके पांच पे, एक प्लांट पे स्टडी करने में आपको 4 साल लगेंगे, ये 3 लाख या 2.5 लाख के समथिंग है, तो स्टडी करने में कितना टाइम लगेगा। फिर आप उसकी स्टडी करने के बाद उसको मेडिसिन फॉर्म में ले आना, उसका टाइम, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, आपको बहुत हाईली वर्क फोर्स चाहिए, ज़्यादा लेबर फोर्स चाहिए जो उस पर रिसर्च साइंटिस्ट काम कर सकें, और आपको चाहिए पैसा। अब आपके पास ना पैसा है और ना मनी है, मतलब ना पैसा है ना वर्क फोर्स है, तो आप क्या करोगे, एक काम करो, ट्राइबल कम्युनिटी के पास जाओ और उनकी देखो, मतलब एक्चुअली ये कहने का मतलब क्या है, ये सैम्पलिंग टाइप का हो गया कि आपको 50 पेड़ सेलेक्ट करने हैं, लेकिन वो ये 2.5 लाख में से एक एक करके चेक करके सबको 2.5 लाख को पहले चेक करोगे और फिर वो 50 पेड़ निकलेंगे उनमें से। तो उससे बेटर है लोगों के पास जाओ, उनसे पूछो, उनकी जानकारी कलेक्ट करो, तो 50 ना सही 30 तो मिलेंगे। अगर आपको 2.5 लाख में से 50 पेड़ मिल रहे हैं, उसके कंपेयर में अगर आपको 1,000 में से 30 पेड़ मिल गए, वो बहुत बेहतर है। तो नई डिस्कवरी के लिए जो किया जा रहा है वो उसका एक ये काम हो जाता है, यहाँ पर वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर देता है। ठीक है, इसके साथ और क्या है, इससे बेनिफिट क्या है, अगर कोई नई मेडिसिन डिस्कवर हो जाती है तो, क्योंकि मेडिसिन डिस्कवर कहाँ हुई, लोकल लेवल पे, यानी कि सपोज एक कनी ट्राइब का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ये अपने केरला में थी, इसी की स्टोरी बता देता हूँ तो आपको बकाया कि इसके पॉजिटिव नेगेटिव सब चीज़ें बता पड़ जाएंगी। कुछ कोयम्बटूर के साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, ये जो नीलगिरी रेंज थी उसमें मूव करने घूमने गए थे ट्रैकिंग के लिए, इको टूरिज्म के लिए। तो उनका जो जो टूर का गाइड होता है वो था ये कनी ट्राइब का बंदा। तो वो क्या है, इनको घुमा रहा है, पहाड़ी पहाड़ी घुमा रहा है, तो वो क्या है, ये देख रहे थे कि वो जल्दी जल्दी में चलते चलते कुछ पेड़ थे उनकी पत्तियाँ तोड़ता और खा लेता, मतलब 2-4 तोड़ी और मुराते हुए चला गया। एक्चुअली ये मुद्दा इनका पत्ती खाने से नहीं था, मुद्दा ये था कि ये थक जाते थे, जबकि वो मस्त चलता ही रहता था। तो अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं हम लोग थक क्यों रहे हैं, और ये बंदा ये कौन सी चक्की का आटा पी खा के आया है,
कि ये थक ही नहीं रहा। तो फिर उन्होंने उससे काफ़ी बोला कि भाई कर क्या रहे हो, ये क्या खा रहे हो तुम? तो उसने मना कर दिया, नहीं 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 कुछ नहीं। फिर जब इनने बहुत ज़्यादा ही इंसिस्ट किया, पीछे ही पड़ गए, तो उसने बोला कि एक पेड़ है, उसने लोकल नाम बताया, लोकल नाम बताया उसका। तो ये उस प्लांट के सैंपल लेके आए, मतलब एक्चुअली इन्हें वहाँ पर इन्होंने भी खाया, तो थोड़ा कड़वाहट थी उसमें, बट इन्हें जो थकावट थी एक एनर्जेटिक फील हुआ है ना। तो फिर ये वहाँ पर लेके आए और फिर इन्हें उसका एक एक्सट्रैक्ट निकाला इन्हें लेबोरेटरी में। इन्हें लगा नहीं इसमें पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। तो इन्होंने जो आयुर्वेद फार्मेसी थे उसके साथ डील की, मतलब इसमें क्या हुआ, ये अपने साथ आयुर्वेद फार्मेसी वालों को लेके गए, कनी ट्राइब जो थी उनकी ट्राइबल कम्युनिटी को इकट्ठा किया, और तीसरा ये खुद। तो इन्होंने क्या किया, इस टाइप से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और ये बोला कि देखो ये इन्फॉर्मेशन है कनी ट्राइब की, तो जो आयुर्वेद फार्मेसी क्या करेगी, ये कनी ट्राइब वाले उस प्लांट को कलेक्ट करेंगे फॉरेस्ट से, और किसे बेचेंगे, आयुर्वेद फार्मेसी को। फार्मेसी वाले उससे मेडिसिन बनाएंगे जिसको उन्होंने बाद में नाम दिया जीवनी के नाम से। तो वो आपने एक ऐड देखा होगा, वो बुढ़ापा वाला वो जवान हो जाता है, मीन्स जो एडल्ट होते हैं वो आराम से मस्त घूम रहे होते हैं, लेकिन जो दो बूढ़े एक पिकनिक स्पॉट पर घूमने जा रहे होते हैं, तो जो दो बूढ़े लोग होते हैं तो वो, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, जो दो बूढ़े लोग होते हैं उसमें जो बूढ़ा बंदा होता है तो वो फूल तोड़ रहा होता है, जबकि जो दो एडल्ट हैं वो भी पिकनिक स्पॉट पर आए हुए होते हैं लेकिन वो थका हुआ फील कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर वो जीवनी का ऐड आता है, मीन्स एनर्जेटिक फूल उसका कर रहा है। वो ऐड का एक एस्पेक्ट अलग था, उसे छोड़ दीजिए। बस मेन मुद्दा यहाँ पर क्या था कि जो जीवनी थी जब फार्मेसी उसे बेचेगी तो उसका एक परसेंटेज है वो देगी ये कनी ट्राइब की कम्युनिटी को जो कोऑपरेटिव थे। कनी ट्राइब क्या कर रही, पहले उस मेडिसिन को कलेक्ट कर रही और बेच रही, तो कलेक्शन के टाइम का मनी मिली। दूसरा, क्योंकि इनकी जो इन्फॉर्मेशन थी उसको वो एज ए इकोनॉमिकल कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं आयुर्वेद फार्मेसी, तो उसका ना एक पेटेंट का या इनका एक कॉमर्शियल जो राइट था उसका एक फंड मिल रहा है। उसका बेनिफिट क्या मिला इस ट्राइब को कि इनके यहाँ जो पहले कभी रोड नहीं थे, कभी एजुकेशन नहीं था, कभी घर नहीं थे, तो उसका डेवलपमेंट आसानी से हो गया, ठीक है। हाँ ये बात अलग है कि ये 10-12 साल चला, इसके बाद फेल हो गया। रीजन, क्योंकि इन लोगों ने उस प्लांट को एक्सप्लॉयट तो खूब किया लेकिन कभी उसे रीजनरेट करने का ट्राई नहीं किया, और जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगने लगा कि इसका हद से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो इन्हें फिर उसका एक्सप्लॉयटेशन बंद कर दिया और ये 10-12 साल बाद प्रोजेक्ट ठप हो गया। हाँ लेकिन इसने एक सक्सेस स्टोरी दी कि ऐसा किया जा सकता है, एक आपके लिए एक मॉडल प्रोवाइड कर दिया। तो मुद्दा अपना क्या है कि इस टाइप के मॉडल से आपको बेनिफिट क्या होता है, तो यहाँ पर तीन स्टेक होल्डर होते हैं। एक है कॉरपोरेट, उसे क्या मिलती है, उसे मिलती है नई मेडिसिन। दूसरा है लोकल सोसाइटी यानी कि जो कम्युनिटी है, एक तो वो कनी ट्राइब हो गई मतलब लोकल कम्युनिटी, दूसरा कॉरपोरेट हो गई, तीसरा पूरा इंडिया या पूरा वर्ल्ड, मतलब पूरी कम्युनिटी, वो लोकल सोसाइटी और कॉरपोरेट। तो इसके तीन स्टेक होल्डर हैं बड़े बड़े। अगर लोकल सोसाइटी का देखा जाए तो उनकी क्या इस बेनिफिट शेयरिंग मॉडल में क्या बेनिफिट हुआ, उन्हें जॉब मिल गई, जो पहले अनएम्प्लॉय थे उन्हें जॉब मिल गई, ठीक है। उनकी उन्हें और उनके ऐसे नहीं कि कोई राइट गए, उनके राइट उनकी इन्फॉर्मेशन उन्हीं के पास है, किसी और के पास नहीं गई, तो उसको केवल वही यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरी ट्राइब भी वही काम करने लगे। हाँ उनके पास राइट रहे और उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई, उनको इकोनॉमिकल गेन हुआ। दूसरा, अगर कॉरपोरेट का बात की जाए तो उसे एक नई ड्रग मिली जो एलोपैथिक जो रिसर्च होता है उसके कंपेयर में बहुत सस्ती पड़ी, क्योंकि एलोपैथिक रिसर्च में बहुत हैवी इंफ्रा खड़ा करना पड़ता है, 10-12 साल लोगों को रिसर्च करना पड़ता है, इसके बाद कहीं जाके कोई सही से मेडिसिन मिलती है, फिर उसका इन्हें वो ट्रायल करना पड़ता है, तो एक मेडिसिन को आने में 15 साल लगते हैं और इसमें भी फिर करोड़ों खर्च हो जाते हैं, पता पड़ा 500 करोड़, 1500 करोड़। तो इतनी जब डिजिट खर्च होती है तो मेडिसिन जब आती है तो वो बहुत कॉस्टली होती है, तब जबकि ये चीप होती है। तो इन्हें एक तो नई ड्रग मिल गई वो भी बहुत सस्ते में, और इसके बाद स्कोप की बात की जाए तो स्कोप की तो फिर दर है। आप अगर आज इंडिया को देखें तो हमारी जो
इंडस्ट्री है, खासकर आयुर्वेद वाली इंडस्ट्री है, उसका एनुअल टर्नओवर लगभग 400 करोड़ के समथिंग है, जबकि वो 4000 करोड़ के समथिंग है, जिसमें 400 करोड़ का ही हम एक्सपोर्ट करते हैं। और जीवनी जैसी मेडिसिन को हम पूरे ग्लोबल लेवल पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में और किसी के पास नहीं होती है, जबकि तुम्हारी इथनिक नॉलेज है, मतलब तुम्हारी ऐसी नॉलेज है। जैसे सपोज जो भारतीय ट्राइब है एमपी में, ये लोग कैंसर के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज करते हैं और उन्हें कैंसर नहीं होता। हमें क्या करना, उस मेडिसिन को तुम बनाओ, पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करो, मतलब तुम्हारे आगे तो कोई कॉम्पिटिशन में है ही नहीं। तीसरा, अगर एज ए कम्युनिटी देखा जाए, पूरा इंडियन कम्युनिटी या वर्ल्ड कम्युनिटी, तो जो एलोपैथिक मेडिसिन तुम्हें 2500 या 5000 का एक टैबलेट पड़ रही है कैंसर के लिए फॉर एग्जांपल, यहाँ मेडिसिन आपको 20 रुपए की पड़ रही, तो ये बहुत सस्ती हुई। देश को बोला जाए तो जब आपके यहाँ से एक्सपोर्ट होगा तो कॉमर्शियल गेन होगा, ठीक है। और फिर इसका ये कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा कि देखो ये चीज़ें कहाँ मिली आपको, जंगल से, ये चीज़ें कहाँ मिली आपको, ट्राइबल सोसाइटी से। तो एक नया एनवायरनमेंट बनता है जो बूस्ट करता है कि ये ट्राइबल कल्चर जो है इसे हमें बर्बाद नहीं करना है, इसे बचाना है। ट्राइबल सोसाइटी को भी समझ में आ जाने लगता है कि अरे ये मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हमें सबको सिटी में ही नहीं भागना है, हमारे पास गांव में ही बहुत कुछ है, हमारे पास अपना ट्रेडिशन नॉलेज है, हमें अपनी संस्कृति या कल्चर को बचाना है। तो इस टाइप की जो मॉडर्नाइजेशन या ये नॉलेज से जो अपनी कल्चर को वो कुछ भी बोलते हैं भंग धतूरा मान के जो छोड़ देते हैं, उसको प्रमोट करने में हेल्प करती है, क्योंकि उनका जो सिस्टम है, उनका जो कल्चर है, वो पिछले 5 या 10 10,000 सालों का कल्चर है, वो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल वे में उन्हें अडॉप्ट किया, इसलिए वो आज तक सस्टेन है। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अपना मुद्दा वो हो गया कि इसके हमें नई मेडिसिन में कैसे होगी, लेकिन इसके साथ समस्या है। इस टाइप की नई मेडिसिन में पहली समस्या क्या है, ये एक टीम वर्क होता है, एक आदमी की बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो एक बंदा तो वो चाहिए जो इस टाइप का हो, बॉटनी का, जैसे बॉटनी की नॉलेज हो। दूसरा बंदा वो चाहिए जिसका ये इंडस्ट्री वगैरह से लिंकेज आसानी से हो, जिससे इंडस्ट्री के साथ वो डील कर सके, बात कर सके उनसे सही से। तीसरा ऐसा बंदा चाहिए गवर्नमेंट का जो एक कम्युनिटी को भी एक साथ कर सके, क्योंकि कम्युनिटी में भी क्या होती है, कुछ इधर भागते हैं कुछ उधर भागते हैं, तो ऐसा बंदा भी चाहिए कि वो डंडा लेके खड़ा हो जाए, सालो इधर अगर निकले ना तो देख लेंगे, तो उन्हें भी ना, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट से नहीं होता जब तक उनके ऊपर फोर्स ना हो। सबकी भलाई के लिए है, लेकिन क्या होता है हर सोसाइटी में 5-10% टेढ़े मेढ़े होते हैं और वो हमेशा सिस्टम को कोलैप्स करते हैं। इसके साथ साथ एक बात और है, आपकी ऐसे भी बंदे चाहिए जो इस ट्राइबल कम्युनिटी के साथ आसानी से घुल मिल जाए, क्योंकि ये ट्राइबल्स जो हैं वो अपनी इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से नहीं देते। क्यों? क्योंकि उन्हें डर हमेशा बना रहता है कि सर पता नहीं ये क्या लेकर के चला जाएगा, हमारे ऊपर कोई समस्या ना ले आते, या क्योंकि उनकी जो मेडिसिन होती है कहीं ना कहीं देवी देवताओं से भी जुड़ी होती है, तो उन्हें डर रहता है कि अगर हमने अपनी इन्फॉर्मेशन सबको बता दी तो हमारे देवता नाखुश ना हो जाए। इसके साथ साथ और क्या चैलेंज है, चैलेंज ये है कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, तो कई बार ये कंपनी क्या करते हैं, तुम्हारे यहाँ आए 15-20 दिन रहे पोलियो ड्रॉप या किसी के बहाने और तुम्हारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो लेके गए, बाद में वो कॉमर्शियल एक्सप्लॉइट करते हैं और जो ट्राइब थी उसे कुछ मिला ही नहीं। जो ट्राइबल पिछले 5000 साल से जिस इन्फॉर्मेशन को लेके चल रहे थे उसको कॉमर्शियली यूज किया जा रहा है, लेकिन उस ट्राइब को कुछ दिया नहीं गया, एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी गई। इसे बोलते हैं बायो पायरेसी, बायो मतलब लिविंग थिंग, पायरेसी तो चोर। तो आप बायो पायरेसी को यहाँ से बेटर तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने सीधे डेफिनेशन फॉर्म में लिख दिया है, उसके एग्जांपल भी है। जैसे टर्मेरिक को US में पेटेंट किया गया था, टर्मेरिक आप पिछले काफ़ी लंबे टाइम से, एंशियंट टाइम से आप यूज करते आ रहे हो एज ए एंटीबायोटिक, यानी कि एंटी पायरेटिक, उसकी जो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है उसको यूज करते आ रहा है, और उन्होंने उसे पेटेंट करा लिया और बोल दिया कि नहीं ये तो हमारी डिस्कवरी है। नीम को US और यूरोप दोनों जगह पेटेंट कराया गया था। अब ये जो बायो पायरेसी है इसको रोकने के लिए फिर अपन जो किया गया है, एक जो पूरी पूरी एक म्यूजियम टाइप का हमने बनाया, पूरा ऑनलाइन सिस्टम बनाया, उसे हम बाद में देखेंगे, पहले इसी को निपट लेते हैं। बायो पायरेसी के साथ साथ एक और चीज़ आई, मान के चलो अगर आपकी नॉलेज जो अभी अपने बोला कनीज ट्राइब के बारे में, वो तो बायो पायरेसी नहीं थी, वो तो एक सिस्टमेटिक थी, तो उस सिस्टम को फिर क्या बोलेंगे? अगर ये बायो पायरेसी है तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग।
मतलब ये सिस्टमेटिक हम इस टाइप से नई ड्रग को सर्च करते हैं, उसके केमिकल कंपाउंड के बारे में जानकारी करते हैं, जो उन्होंने अपनी जब यहाँ से पेड़ लेके गए तो उन्होंने अपने यहाँ लैब में जो किया था, और फिर उसका कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। लेकिन ये कॉमर्शियल जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, इसमें जो लोकल लॉज होते हैं उनको भी फॉलो किया जाता है, उसको शेयर जो है वो कम्युनिटी जिससे वो आया है उस कम्युनिटी को भी दिया जाता है। और जो बायो पायरेसी है, ये कोई आज की नई नहीं है, ये पूरा यूरोप और जो अमेरिका है ना, पूरे अफ्रीकन कंट्रीज से बायो पायरेसी कर रहा है आज के टाइम पर। वो इसको आप जो छोटी छोटी कंट्री हैं वो तो नहीं समझ पाए, लेकिन जो बड़े कंट्री हैं जैसे साउथ अफ्रीका है, नाइजीरिया है, जायरे कॉन्गो वाले लोग हैं, ये लोग अब इसको डाटाबेस बना करके अब वहाँ के कोर्टों में केस लड़ रहे हैं कि ये हमारी चीज़ का मिसयूज कर रहा है और हमें हमारी कम्युनिटी को ही डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं मिला। तो इस टाइप का चलता रहेगा। अब मुद्दा आता है अपना दूसरे पे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे। तो जैसे अभी अपन ने बायो पायरेसी वाला मुद्दा था, उसी मुद्दे को आगे चलाएंगे। तो अपना जो मेन मुद्दा चल रहा है वो है आईपीआर का इशू। आईपीआर में देखो इशू क्या है आईपीआर के साथ। आईपीआर आपको किस पे दिया? सपोज मैंने एक कोई नया लैपटॉप बनाया है, उसकी एक अलग ही वो सुपर कंप्यूटर की स्पीड से चलता है। तो पहले ही तो ये है कि हमारी जो आईपीआर लॉज हैं वो 6 टाइप की चीज़ों को डिसाइड करते हैं। जैसे कोई स्ट्रक्चर हो, स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन हो, या कोई केमिकल कंपोजिशन हो, तो उनके आईपीआर के जो लॉज हैं, ये यानी कि हम जो 6 टाइप की आईपीआर देते हैं उनमें ये कहीं मेडिसिनल चीज़ें ये आती नहीं है। मेडिसिनल चीज़ें कौन सी? आपके केमिकल कंपाउंड आते हैं मेडिसिन में, वो आते हैं उसमें, लेकिन ये जो आयुर्वेदिक वाली जो इनकी हैं, यानी कि जो ट्राइबल कम्युनिटी की है, ये उसमें नहीं बैठ पाती हैं फिक्स, कहीं किसी कैटेगरी के अंदर नहीं बैठ पाती हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी पेड़ को आप नीम को यूज करते आ रहे हो, आपको ये नहीं पता कि नीम के अंदर कौन सा केमिकल है। जब आपको केमिकल ही नहीं पता तो आप उसको कैसे पेटेंट कराओगे? आप नीम को तो पेटेंट नहीं करा सकते। तो ये थोड़े इशू आते हैं। दूसरा, हम उसका एक्चुअली ये बोल सकते हो कि जो लॉज हैं वो कहीं ना कहीं केमिकल चीज़ों को पेटेंट करते हैं, हम उनको फिजिकली यूज कर रहे हैं, हम ये नहीं बता रहे कि क्या केमिकल था, उसने कैसे रिएक्शन की, वो रिएक्शन की मैकेनिज्म को कोई पेटेंट करवा रहे हो। तो ये चीज़ों का हमारे पास इशू है। यही वजह है कि हमारे यहाँ लोग कई बार मिसयूज हो जाता है। तो अब इसके लिए हमारे पास क्या ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है कि अपनी चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन करें, जिससे हम उनको बेटर तरीके से कंजर्व कर सकें। अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए तो हमारे पास 70 से ज़्यादा प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स हैं, 10 करोड़ पॉपुलेशन रूरल ये फॉरेस्ट एरिया में ट्राइबल है 10 करोड़ के समथिंग। तो आप सोचो कि आपके पास कितना बड़ा चंक है इस टाइप की इंफॉर्मेशन का। तो अगर हम इसको इंफॉर्मेशन को, जिसे हमारा जो 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया था उसके थ्रू एक पंचायत लेवल पे या गांव लेवल पे बनाया गया बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, विलेज बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, अगर इस इंफॉर्मेशन को हम वहाँ लिखते हैं और वो पूरी इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट ऑथेंटिक करके इंडस्ट्रियलाइज करती है, तो जिससे पहले के दूसरे कंट्री आपकी इंफॉर्मेशन को यूज करें, आप अपनी इंफॉर्मेशन को यूज करके आप अपनी कंपनी को, कंट्री को ही ज़्यादा वेलबींग कर सकते हो। आप यहाँ रूरल एरिया पे फार्मर की इनकम डबल नहीं कर पाओगे, आप ट्रिपल या टेट्रा में लेके चले जाओगे। क्यों? क्योंकि उससे उसको एक एक्स्ट्रा जॉब का सोर्स मिल गया और उसे उसकी इंफॉर्मेशन का पैसा मिल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मुद्दा आता है अपना कंजर्वेशन का। मैंने आपसे अभी बोला कि कंजर्वेशन में क्या होगा, जब आपको फॉरेस्ट से मिल रहा है तो आप क्या करोगे? यहाँ पर स्टेक होल्डर जो बनाया, जैसे आपने स्टेक होल्डर क्या बनाया, एक तो सोसाइटी थी एज ए होल, दूसरी वो ट्राइब थी जिसकी ट्रेडिशनल नॉलेज थी, तीसरी इंडस्ट्री थी, चौथा किसे लोगे? चौथा आप किसी दूसरे को ना लेके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लो। अगर चौथा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही इथनो बॉटनी की एक विंग खड़ा कर दे पूरी, तो ये क्या करेगा? ट्रेडिशनल नॉलेज जो फॉरेस्ट वाले हैं ये ज़्यादा बेटर तरीके से कलेक्ट कर लेते हैं ट्राइबल एरिया से, क्योंकि ट्राइबल सोसाइटी इनसे लिंक है, डिपार्टमेंट से। और अगर यही उसको यूटिलाइज करेंगे कम्युनिटी के साथ, GFM के अंडर अगर डाल देते हैं हम, तो पहला तो क्या काम है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ट्राइबल सोसाइटी लिंक है, मार्केट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू कहीं ना कहीं कंट्रोल है, तो ये स्पीसीज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते, तो फॉरेस्ट बचा। दूसरा, जो पैसा मिलेगा उस वो कम्युनिटी को भी मिल रहा है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी, और डिपार्टमेंट वो खर्च करेगा फॉरेस्ट उसी फॉरेस्ट एरिया के डेवलपमेंट में, या जो पैसा मिल रहा है वो GFM कम्युनिटी को दे दो, मतलब सोसाइटी को दे दो, और वो सोसाइटी खर्च करेगी वो अपनी एरिया के डेवलपमेंट के लिए।
डेवलपमेंट मीन्स फॉरेस्ट में अभी अफॉरेस्टेशन करेगा, फॉरेस्ट का भी एनरिचमेंट करेंगे, क्यों, क्योंकि जिस चीज़ को वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है अगर उसके 10 प्लांट हैं तो 10 के ही कर पाएंगे, तो अगर वो उसमें 20 प्लांट और प्लांटेशन काट देंगे तो फॉरेस्ट के लिए फॉरेस्ट एनरिचमेंट हो गया और उनके लिए और रिसोर्सेज बढ़ गए, और इसका रिजल्ट क्या होगा, जब फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा तो पॉलिसी भी फोर्स होंगी कि भाई पॉलिसी सही बनाओ, और दूसरा ये जो हमारा व्यू है फॉरेस्ट के प्रति एक्सप्लॉयटेबल वो थोड़ा कम हो जाएगा और हम दूसरी चीज़ों पर शिफ्ट होंगे और फॉरेस्ट बचेंगे। और फिर जो अपना फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में चल रहा था कि जो फार्मर की पूरी इनकम है वो इनक्रोचमेंट कर रहा था, इल्लीगल फिलिंग कर रहा था, तो इस टाइप की चीज़ें बचेंगी, क्योंकि अब इल्लीगल फिलिंग के लिए जो बाहर से कोई आए ना तो गाँव वाले खड़े हो जाते हैं कि हमारे पेड़ ना काट दें, क्योंकि इनने अगर वो जिसके ये मेडिसिन बनाते हैं वही पेड़ काट दिए तो इन्हें कहा तो पेड़ गया ना, तो इस टाइप से काम चलता है। इसका कंजर्वेशन एफर्ट में अगर और बोला जाए तो हम उनके ट्राइबल के जो कल्चर है उन्हें ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल उत्तराखंड में एक मेथी आंदोलन चलता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे एक माँ बाप है उनका प्यार होता है वो बहुत अपनी बच्चियों पर बच्चे बच्चियों पर रहता है, तो जैसे उनकी लड़की है वो उन्हें बहुत प्यारी है, अब लड़की की शादी के बाद लड़की तो घर से चली जाएगी लड़के के यहाँ, तो माँ बाप को उनका जो प्यार है वो कम ना हो, तो यहाँ पर क्या ट्रेडिशन कर दिया गया, पहले नहीं था लेकिन बाद में फोर्स हुआ, लगभग 20-25 साल पहले आया कि लड़का लड़की जो दूल्हा और दुल्हन है ये दोनों घर से जाने से पहले अपने घर के आसपास घर के आंगन में या घर के पास जो ज़मीन पड़ी है उसमें पेड़ लगा के जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि जो घर वाले हैं या जो माँ बाप हैं या जो भाई बहन थे उस लड़की की जो चली गई उन्हें दिमाग में रहेगा ये हमारी बहन का पेड़ है, वो उस पेड़ को सूखने नहीं देंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, इससे उनका क्या इंटरेस्ट, जो सोसाइटी है यानी कि जो उनके मदर फादर या फैमिली थी लड़की की वो लड़की की तरह उस पेड़ की केयर करेंगे, लेकिन हमारा क्या इंटरेस्ट इसमें या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्या इंटरेस्ट, इस टाइप से हम फॉरेस्ट कवर बढ़ा लेंगे, चलने दो। अब आगे चलते हैं, मुद्दा आता है ये ट्रेडिशनल नॉलेज का, इसको मैनेज कैसे किया जाए, अब इशू यही है, तो इसके लिए एक तो हमने रजिस्टर बनाया, नाम तो याद नहीं है मुझे, वो इसी में आएगा, ये नोट्स में आपको कहीं मिल जाएगा, और फिर मैंने आपको बोला वो बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जो है विलेज बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर वो एक बहुत काम की चीज़ है, तो इस टाइप से हमें वो मैनेज करने की ज़रूरत है, जिससे हमारा वही है आपको कहाँ पर क्लाइमेट चेंज के लिए देखो केवल मेडिसिन ही नहीं, मेडिसिन ही नहीं है, आपको आयुर्वेद को भी बूस्टअप करना है, जिससे आपको जो मेडिसिन सिस्टम है या आपका जो हेल्थ सिस्टम है वो थोड़ा सस्ता हो, जिससे जो लोगों की आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा कम हो, दूसरा आपको कहाँ पर काम पड़ रहा है इनकी इनकम बढ़ाने में, और तीसरा फॉरेस्ट को कंजर्वेशन में, और इसके साथ साथ क्या होता है और भी बहुत सारे हैं, नोट्स में पढ़ लेना। अब आपके यहाँ पर क्वेश्चन है, अब आप क्वेश्चन देखो कि जो 2012 में क्वेश्चन आया था बॉटनी में, 2018 में बिल्कुल घूम फिर के वही क्वेश्चन आया, तो एक्चुअली मैंने ये इसलिए लिंकेज किया क्योंकि ये लगभग आपको बॉटनी के क्वेश्चन थोड़ा देख लो, सिलेबस बिल्कुल कंटेंट सेम है, सब कुछ सेम है, क्वेश्चन भी वैसे ही है। ओके, आगे चलते हैं, अपना एथनोबॉटनी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, इसके साथ साथ जो लिंक टॉपिक थे उन्हें देख लेते हैं। पहला एक है प्लांट डोमेस्टिकेशन, ये प्लांट डोमेस्टिकेशन समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या। देखो स्टार्टिंग में हम सीधे एनिमल को क्लिंग करते थे जब हम गुफाओं में रहते थे केव्स में, फिर हमने क्या किया ये समझ लिया कि ये एनिमल या ये प्लांट है ये हमारे काम की चीज़ है, तो हमने उन्हें पकड़ पकड़ के बांध के घर पर रखने लगे, फिर हमारे और इनके बीच में एक लिंकेज डेवलप हो गया, वो प्लांट भी अब ट्राइबल के हिसाब से नहीं रहे, अब वो मीन्स अब वो जो प्लांट या एनिमल हैं वो अब फॉरेस्ट एरिया में नहीं रह सकते, क्योंकि अब उनने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है ह्यूमन सिविलाइजेशन या सोसाइटी के अकॉर्डिंग, सोशल कंडीशन के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लिया है, बट अब हमारे भी उनकी ज़रूरत है, मीन्स जो सपोज एक एनिमल थी उसकी जो पहले रूरल यानी कि फॉरेस्ट एरिया में रहता था उसके बहुत सारे डिजीज इम्पैक्ट पड़ते थे उसके प्रति, उसकी रेजिस्टेंस थी, लेकिन जब से वो अपने अंडर आ गया मतलब डोमेस्टिकेटेड हो गया तब से उसने वो रेजिस्टेंस की करेक्टर जो थे जीन के वो लॉस हो गए, क्यों, क्योंकि अब उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अब उसे एनिमल का प्रोटेक्शन हो गया, तो इस टाइप से प्लांट एनिमल के अकॉर्डिंग एनिमल प्लांट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है, तो हमने कैसे प्लांट को किया वो यहाँ पर रहा।
अब यहाँ पर ये पर्पज वही, क्योंकि बॉटनी में था इसलिए यहाँ पर अपन को पढ़ना पड़ रहा है। और ये केवल इतनी है कि डोमेस्टिकेशन होता क्या, बस यहाँ पर हो गया। और मेन मुद्दा है हमने डोमेस्टिकेशन किया क्यों, हिस्ट्री क्या है, डोमेस्टिकेशन से क्या लेना देना है, आईएफएस वालों को कोई लेना देना नहीं है। हाँ अगर आपको हिस्ट्री वाला एस्पेक्ट देखना है खासकर अपनी एमसीक्यू वाले में, तो हड़प्पा से पहले वाले इशू में अपना ये हिस्ट्री का पॉइंट था। बस अगर आपको इम्पोर्टेंस देखा जाए तो इससे इम्पोर्टेंस क्या है डोमेस्टिकेशन का, जब इंसान ने पहली बार डोमेस्टिकेट किया तो उससे पहले क्या था, उसे डेली हंटिंग करने जाना होता था, कभी शिकार मिलता था कभी नहीं मिलता था, तो इसका मतलब फूड इनसिक्योरिटी थी। डोमेस्टिकेशन के बाद उसकी फूड की सिक्योरिटी कन्फर्म हो गई, उसे गाय डेली दूध से दे रही है, जो वो क्रॉप कर रहा है वो कन्फर्म हो गया, क्योंकि अब उसे क्रॉप का जो प्रोडक्शन था एक बार मिल गया और वो साल भर बैठे खा सकता है। तो इस टाइप से एक फूड सिक्योरिटी बनी, न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी बनी, उन्हें जो प्रोडक्ट चाहिए थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए घोड़ा या बैलगाड़ी चाहिए थी वो मिल गई, या बुल जो था फार्म पावर के लिए वो मिल गया। इसके साथ साथ उन्हें जो उनके अदर डिजायरेबल कैरेक्टर थे उनकी डिमांड फुलफिल हुई, तो ये डोमेस्टिकेशन का हमारे लिए बेनिफिट था। लेकिन डोमेस्टिकेशन जब भी स्पीसीज का करते हैं तो मैंने आपसे बोला कि इसके कुछ समस्या हैं, चैलेंजेस हैं। पहला क्या है, इसे सिंपल वे में ऐसा समझ लो कि एक प्लांट जब फॉरेस्ट एरिया में है तो उस पर कभी इंसेक्ट अटैक करते हैं, कभी उसे पानी नहीं मिलता, कभी गर्मी मिल जाती है, तो उसमें इस टाइप का जीनो टाइप है, उसके अंदर का जेनेटिक मेकअप इस टाइप का है कि वो इन हार्श कंडीशन को एडजस्ट कर लेता है। लेकिन जब उसी प्लांट को आप अपने यहाँ लगा के आओगे, अपने घरों में लगा लोगे, तो उसकी अगली 40-50 जनरेशन जब आगे आएंगी तो वो उनका जो हार्श कंडीशन थी उसको इन्हें कभी झेला नहीं है, तो इनके वो जेनेटिक जो कैरेक्टर था या जीनो टाइप था वो निकल जाएगा, उसका इरोजन हो जाएगा। तो अब इनकी जो है, एक तो बाहर से मॉर्फोलॉजिकल अपियरेंस भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने जंगली भैंसें और अपने जो देसी जो अपने घरों में रहती है भैंसें ने देखा होगा, बायसन और बफेलो में जो डिफरेंस है वो तो इजीली समझ में आता है। ये जंगली भेड़िए और कुत्ते ये है तो एक ही स्पीसीज, दोनों सब कुछ सेम थे, लेकिन ये सोसाइटी के अकॉर्डिंग कुत्ते अडॉप्ट होगा लेकिन भेड़िए नहीं हो पाए। इसके साथ साथ और क्या मुद्दा आता है, जेनेटिक पॉल्यूशन। कई बार क्या होता है कि वाइल्ड पॉपुलेशन ठीक थी, आपके यहाँ कोई बाहर से ऐसी लेके आ गए जिसने यहाँ की जेनेटिक जो थी उसके साथ मेकअप कर दिया या उसको ख़राब कर दिया। तीसरा एक लॉस ऑफ डाइवर्सिटी से भी रिलेटेड है। आप क्या करते हो कि आपके यहाँ पहले 25 चीज़ें होती थी, आप एक चीज़ पे ज़्यादा फोर्स हो जाते हैं तो बाकी चीज़ें छूट जाती हैं। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन ले लो, ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले आपके जो वीट था गेहूँ उसकी लगभग 250 के ऊपर आसपास स्पीसीज थी, मोटे तौर पर जो ब्रॉड लेवल पर थी वो लगभग 60-65 थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद 4-5 रह गई, बकाया की पूरा लॉस हो गया। अब इसे छोड़ देते हैं, यहाँ पर मुद्दा अपना आता है प्लांट का इंट्रोडक्शन से। इसे अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़े हैं, सिल्वीकल्चर में एक में चॉइस ऑफ स्पीसीज के आसपास शायद कहीं पढ़ा था कि जब बाहर से प्लांट लेके आते हैं तो इनको कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है यहाँ पर। दूसरा ट्री इंप्रूवमेंट में जो एग्जोटिक को लेके आते हैं वहाँ पर भी यही प्लांट इंट्रोडक्शन था। बस मुद्दा ये था कि यहाँ पर एक बेटर सिस्टमेटिक में था इसलिए मैंने यहाँ पर दोबारा से एक बार रख दिया। ठीक, मतलब बस बात हुई कि ओल्ड वाइन न्यू बॉटल। मुद्दा क्या है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, मतलब ट्रांसफ़र करना जीनोटाइप। या तो इसमें क्या होता है, पहले के ज़माने में तो हम पूरा पूरा पेड़ उखाड़ के ले आते थे यहाँ, लेकिन आज के टाइम पे हम पेड़ नहीं लेके आते, हम उसका थोड़ा सा पार्ट लेके आते हैं, लीव लेके आ गए, क्योंकि उसमें डीएनए इनफ है और उससे हम काम कर लेते हैं। तो प्लांट इंट्रोडक्शन जनरली दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, हमने अमेरिका से पॉपुलर मंगाया, मतलब पॉपुलर ले लो फॉर एग्जाम्पल, पॉपुलर मंगाया, जो प्रोसेस करना है वो हमने किया और उसके बाद हमने सीधे खेतों में लगा दिया, ये है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब हमने उनसे पॉपुलर मंगाया, पॉपुलर अपनी लेबोरेटरी में रखे, जो प्रोसेस है उसके दौरान हमने क्या किया, उसको ब्रीड किया अपने लोकल वैरायटी के साथ, और फिर हमने लोकल वैरायटी के साथ ब्रीड करके जो नई जनरेशन आई उसे लगाया। क्यों, क्योंकि जो हम यूएस से लेके आए थे पॉपुलर, जो दूसरी बार लेके आए थे, वो सपोज हमारे अकॉर्डिंग नहीं था, या उसके कुछ ही कैरेक्टर हमें चाहिए थे, सब कैरेक्टर नहीं चाहिए थे, तो इस टाइप से हमने लोकल के साथ इंटरब्रीड करके किया, इसलिए उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ये है कि आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए था, फॉर एग्जांपल पॉपुलर मतलब फाइबर इंडस्ट्री यानी कि पेपर पल्प
पल्प इंडस्ट्री को ऐसी सॉफ्टवुड चाहिए थी जो फाइबरस हो। अगर आप रिसर्च करके डेवलप करोगे तो आपको 10 साल लगेंगे, जब जबकि कहीं वर्ल्ड में कहीं भी किसी कंट्री में सेम कंडीशन में अवेलेबल है तो उसे सीधा लेके आ जाएंगे, हेल्पफुल होता है और जल्दी हो जाता है। दूसरा मैंने क्या बोला, उनके पेड़ों का जीनोटाइप लेके आए और अपने यहाँ के प्लांट के साथ ब्रीडिंग करके नई जनरेशन खड़ी कर दी। तो इस टाइप से हम जेनेटिक इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जेनेटिक इरोजन का मुद्दा क्या है, मैंने ये बोला कि आपने जैसे प्लांट लगाए थे जंगल से, तो कुछ टाइम बाद उनका जो जेनेटिक मेकअप हुआ वो लॉस हुआ, जेनेटिक इरोजन हुआ। तो इस टाइप से क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई प्लांट था उसकी ये जो कैपेबिलिटी धीरे धीरे जो लॉस हो रही थी, आप बाहर के प्लांट जो रेजिस्टेंट थे उनसे ब्रीड करके वो रेजिस्टेंस वाले जो कैरेक्टर है उन्हें थोड़े बनाए रखते हो। ये है जेनेटिक इरोजन को कंट्रोल करना। इसके साथ कुछ एस्थेटिक वैल्यू भी होते हैं, जैसे कि फ्लावरिंग के लिए आज के टाइम पे हमने बहुत सारे बाहर के प्लांट इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि वो हमारे पार्क में कलरफुल फ्लावरिंग करते हैं, तो हमें जो अपने सिटी में जो गार्डन होते हैं तो उनमें हम लगा रखें। ये एक इंट्रोडक्शन का बेनिफिट हो गया। तो देखो प्लांट एक तो बाहर से लगा लो यानी कि इंट्रोडक्शन, या फिर अपने यहाँ के जंगल से उखाड़ के ले आओ और डोमेस्टिकेटेड कर दो, तो प्लांट डोमेस्टिकेशन, ये दो पार्ट आपके कंप्लीट हो गए। बकाया किसकी जो सिग्निफिकेंस है, चैलेंजेस क्या है, इन्हें देख लेना, इनमें कुछ वो मुद्दा नहीं है। अब प्लांट इंट्रोडक्शन कैसे किया जाता है उसकी पहले प्रोसेस है, प्रोसेस को थोड़ा समझो, जैसे पहले भी देख चुके हैं। तो पहले तो हम जो मटेरियल है उसे प्रोक्योर करते हैं, प्लांट को प्रोक्योर करते हैं। अब प्रोक्योर कैसे करते हैं, या तो हम सपोज ब्राज़ील से कोई लेके आ रहे थे, ब्राज़ील से कोकोआ का प्लांट लेके आ रहे हैं, हमने बोला कि फार्मर की इनकम डबल करनी है कर्नाटक वालों की, वहाँ कोकोआ का ग्रो करेंगे। तो हमारे पास पहले तो हमें कोकोआ के प्लांट को प्रोक्योर करने पड़ेंगे यानी कि जर्म प्लांट को प्रोक्योर करना पड़ेगा। तो ये कैसे होता है, या तो ब्राज़ील का प्रेसिडेंट यहाँ ब्रिक्स समिट में आए और वो हमें गिफ्ट दे के चला जाए, या फिर हम ब्राज़ील के से रिक्वेस्ट करें और उस पर पेमेंट करके ख़रीद के ले आएँ, या फिर हम अपनी आसपास मतलब कोई किसी दूसरे कंट्री से कोई जुगाड़ करके दो नंबर में कहीं से लेके आएँ। सबसे पहले तो आपको उसे करना पड़ेगा प्रोक्योर। प्रोक्योर जब कर लिया, ख़रीद के आ गया, तो ख़रीद करके ऐसा नहीं कि सीधे लगा देते, क्योंकि ब्रिटिश के टाइम पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई जो हमने ऑस्ट्रेलिया से मंगा के लगा दी। तो जो चीज़ें आई वो तो लग गई, लेकिन उनके साथ साथ जो हार्मफुल इंसेक्ट आ गए, उन इंसेक्ट को कंट्रोल के लिए तुम्हारे यहाँ कोई इको सिस्टम नहीं था, तो वो पूरे इंडिया में फैल गए और उसका रिजल्ट हुआ जैसे वीट में बहुत सारे इंसेक्ट लगते हैं, आपके गेहूँ के खेतों में बहुत सारी वीड है जो बाहर की है और उनने आपकी फसलों को बहुत ज़्यादा हैवी लॉस पहुँचाते हैं। तो आप क्या करते हो कि जब भी कोई इस टाइप का कंटेंट आता है उस पर एक चेकअप चेक लाइन बना देते हो, मतलब एक डिपार्टमेंट बना रखा है क्वारंटाइन डिपार्टमेंट, वो क्या करता है हर प्रोडक्ट को बहुत ही बारीकी से चेक करता है कि क्या इसके साथ कोई इंसेक्ट पेस्ट तो नहीं है, कोई डिजीज तो इसके साथ लिंक नहीं है, चाहे भले वो बैक्टीरियल वायरस हो। तो इसलिए कई बार जिस टाइप का जो फूड कंटेंट आता है वो ऐसा नहीं होता कि जैसी कंट्री में आपके में वो शिपिंग इंडस्ट्री जो उतार देती है और उसके बाद दूसरे दिन आपको डिलीवर हो जाए। हाँ, क्वारंटाइन डिपार्टमेंट कुछ टाइम लगता है, 10-15 दिन वो ले लेता है उसे, तो उसके ये क्वारंटाइन किया जाएगा। अब क्वारंटाइन करने के बाद क्या है, ये जो जर्म प्लाज्म है वो किसान ने तो नहीं मंगाया होगा, किसी इंस्टीट्यूट ने मंगाया होगा। तो इस टाइप की जैसे इंस्टीट्यूट है, जैसे कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अपनी, ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है FRI है, तो ये केवल एक ही थोड़ी मंगाती है, तो दुनिया भर के मंगाती रहती है। तो आप कौन कौन सा इसके पास है वो कैसे पता पड़ेगा, तो ये क्या करती है, सबसे पहले जब उसके पास वो कंटेंट आ गया मुंबई से क्वारंटाइन होकर के, वो कंटेंट इसके पास आ गया जब देहरादून में, तो उस कंटेंट को ये लेबोरेटरी में भले ही रख देगी लेकिन उसका डाटा एक कैटलॉग बनाएगी, एक रजिस्टर बनाएगी, तो उसे बोलते हैं कैटलॉगिंग। रजिस्टर क्यों बनाएगी, जिससे कि अगली बार जब उसे कोई कंटेंट मंगाना हो तो सबसे पहले यानी कि कुछ जो जर्म प्लास्ट मंगाना हो उससे पहले वो पहले अपने रजिस्टर में चेक कर लेगा कि क्या हमने पहले तो नहीं मंगा रखा। दूसरा, उसके साथ साथ इनके ऑनलाइन रजिस्टर होता है जिससे इन्हें यह भी पता पड़ जाए कि क्या वो जर्म प्लाज हम जो मंगा रहा है वो किसी और इंडिया के किसी और इंस्टीट्यूट ने तो नहीं मंगा रखा, क्योंकि अगर किसी ने मंगा रखा है तो FRI सीधी उस इंस्टीट्यूट से मंगा लेगी, ना कि उस कंट्री से। ऐसा क्यों, क्योंकि एक तो खरीदने का पैसा बचेगा, दूसरा ये कंट्री जो जो एजेंसी है, जो इंस्टीट्यूट है जिसने पहले मंगा रखा है, इसने बहुत सारा पहले ही रिसर्च पर पैसा बर्बाद किया होगा, वो बचेगा FRI का, और जो रिसर्च किया वो सीधा सीधा यूज कर लेगा ये। तो इस टाइप से उसका एक रजिस्टर यानी कि कैटलॉगिंग की जाती है।
कैटलॉगिंग करने के बाद फिर हम उस प्लांट को अपनी नर्सरी में लेके जाएंगे, लेबोरेटरी में लेके आएंगे और उसके जर्म प्लाज्म को इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट क्यों? क्योंकि हमें पता भी तो होना चाहिए जो हम सोच के ले आए हैं ये वही है या कुछ घटिया है। तो इवेल्युएशन के बाद जब हमें कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ हमारी अकॉर्डिंग है, तब हम उसकी नंबर बढ़ाएंगे, यानी कि एक प्लांट या दो प्लांट लेके आए थे, फिर हम उनके हज़ारों प्लांट बनाएंगे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर बाद में सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ले 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 जाओ। तो इस टाइप से प्लांट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ओके, अब इसके बाद लास्ट एक पार्ट है इसमें इथनोबॉटनी वाले का, वो है एनर्जी प्लांटेशन। मैंने आपसे बोला कि एनर्जी प्लांटेशन जो है इसका पर्पज आपको फॉरेस्ट्री से कम है, लेकिन आपके जीएस के लिए ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया। दूसरा, ये बॉटनी में लिंक था तो मैंने कि चलो कोई बात नहीं, अगर बॉटनी टाइप का कहीं कोर्स उठा लिया तो वो यहाँ पर पूछ सकता है, नहीं तो आपको जीएस में है तो हेल्प करेगी करेगा। कैसा है कि फार्मर की इनकम कैसे करना है, डबल करना है, रूरल एम्प्लॉयमेंट आपको कैसे बढ़ाना है, लो कार्बन इमीशन कैसे करना है, यानी कि कार्बन को, लो कार्बन इमीशन का मतलब केवल यही नहीं कि कार्बन को ही कम करना है, इसका मतलब आपके यहाँ का नेट कार्बन को भी कम करना भी हो सकता है। रूरल जॉब का मुद्दा हो गया, ठीक है। तो अभी एनर्जी प्लांटेशन है क्या? देखो, हमें रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, चाहे वो फ्यूल वुड हो, चाहे वो आप पेट्रोल की जगह आप जो जैसे जेट्रोपा के जो सीड ऑयल यूज करते हैं, जिसे हम आजकल बायो डीजल या बायो ऑयल टाइप की जो बोलते हैं उनकी चीज़ें हो, तो उस टाइप की प्लांटेशन लगाना जो या तो आपको फ्यूल वुड दे रहे हो या इस टाइप का कोई ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेजिटेबल ऑयल, जिसका आप एनर्जी में यानी कि पेट्रोल की तरह यूज कर सकते हो, बायोडीजल बना के यूज कर सकते हो। तो इस टाइप की जो ट्री या श्रब कुछ भी लगाओ जो इस टाइप का कर देंगे, तो हम उसे बोलते हैं एनर्जी प्लांटेशन, ठीक है। अब मुद्दा ये है, इसका हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है? अगर हम फ्यूल वुड के हिसाब से देख लें तो रूरल एरिया में क्या मिलेगा, लोगों के पेड़ लगाएंगे एग्रो फॉरेस्ट्री में, तो उनकी खुद की रिक्वायरमेंट कम कंप्लीट होंगी फ्यूल वुड के लिए। जब उनकी खुद की डिमांड कंप्लीट हो जाएंगी तो वो जो फॉरेस्ट में जो इलीगल फिलिंग कर रहे थे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो फिलिंग करके पेड़ खरीदेगा कौन जब सबके पास अपने अपने पेड़ हैं। दूसरी बात, हाँ धुआं का इशू है, वो छोड़ दो अभी, बट मेन मुद्दा उनकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएंगी और वो सिटी वालों को भी फ्यूल वुड बेच देंगे। दूसरा, अगर हम ऑयल वाले पे मुद्दे पे देख लिया जाए, तो जो ऑयल से जो बायोडीजल बनेगा इसमें सल्फर का कंटेंट कम होगा, तो अर्बन एरिया में जो पॉल्यूशन हो रहा है वो कम होगा। दूसरा, ये जो पेड़ है ये एक्चुअली कर क्या रहा है, CO2 को तो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो नेट गेन ये नहीं है कि इनके जलने से तो कार्बन बन रहा है। अरे भाई, जो कार्बन बन रहा है वो कार्बन को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो नेट गेन कार्बन साइकिल में कुछ नहीं हो रहा, नेट गेन वो जीरो वहीं रहा, क्योंकि जो लकड़ी को जलाने के बाद जो मान के चलो 10 m³ का कार्बन इमिट हुआ, CO2 गैस इमिट हुई, तो ये पेड़ जो लगाए हैं आपने वो भी तो एब्जॉर्ब कर रहा है वही कार्बन, वहाँ नया कार्बन कहाँ से आएगा। तो कार्बन एक्चुअली बढ़ता है या कम नहीं होता है, ये कार्बन की जो स्पीड है साइकिलिंग की वो बढ़ जाती है फ्यूल वुड में बस। तो इसमें क्या है, रूरल एम्प्लॉयमेंट है, जो हमारे यहाँ केरोसिन है, गैस है, कोल है, इनकी जो डिमांड सप्लाई गैप है वो फुलफिल हो जाएगा, खासकर रूरल एरिया के लिए। और रूरल वालों के लिए तुम्हारे जो नेचुरल गैस है, गैस सिलेंडर जो है, वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं पड़ता, उन्हें लकड़ी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती है। और इसके जो बाई प्रोडक्ट हैं, जैसे आपने लकड़ी तो निकाल ली, लीव्स हैं, पेड़ है, तो वो क्या करेगा, फ्रूट भी प्रोड्यूस करेंगे, तो एनिमल के लिए चारा वगैरह फोडर प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी जो रूट्स हैं उनके, फिर बकाया के तो आपके पेड़ को पता ही है रूट्स हैं, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, तो बकाया के जो उनके प्रोडक्ट प्रोटेक्टिव फंक्शन है वो तो चलते ही रहेंगे। अब इसके चैलेंजेस, लिमिटेशन क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, इसे आप आराम से देख सकते हो। लिमिटेशन वही है, कौन करे, चैलेंजेस के लिए सब्सिडी वगैरह का एक मुद्दा आ जाता है, ये सब चलते रहते हैं। अब इसका जो अपना पांचवा टॉपिक है, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट, इसे देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर आपको एक मेडिसिनल प्लांट है, ये मेडिसिनल एंड नार्कोटिक प्लांट है, एक्चुअली नार्कोटिक ड्रग्स वाले। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको केवल ये देखना है कि एक तो उसका कॉमन नेम है, आपसे देखो किसी की चीज़ में बहुत डिटेल नहीं पूछी है कि किसमें क्या है, किसमें क्या है, लिस्ट आपके पास बहुत लंबी है, ये केवल देने के पीछे पर्पज ये है कि जौन से 5 प्लांट आपको पसंद आए, जो आसानी लगे, जो आसान से रट्टा मारते हो जाए, उन्हें कर लो। तो ऐसे 5 प्लांट पकड़ लो, उनके नाम, उनके साइंटिफिक नाम और उनकी फैमिली, बस ख़त्म। तो 5 मेडिसिनल पकड़ लो, 5 नार्कोटिक पकड़ लो, ठीक है, और इससे काम चल जाएगा आपका। अब अपना जो इसका वीडियो का लास्ट पार्ट था उसकी तरफ चलते हैं। उससे पहले एक एक्सरसाइज, जो भी क्वेश्चन है इनमें ऐसा कुछ बचा नहीं है,
कि जिसे आप ना कर सको। अब मुद्दा ये होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो ऐसा है कि जो 2020 के लिए कर रहा है वो ये मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट के नाम याद रख सकते हैं बकाया की, लेकिन जिन्हें अभी 15 दिन बाद देना है तो वो इस टाइप की एग्जाम्पल याद रखें, वो कोई कॉस्ट इफेक्टिव नहीं देता। और फिर ध्यान रखो आपके पास 8 क्वेश्चन में से कहीं ना कहीं आपको गैप जरूर मिलता है, तो इस टाइप की चीज़ों से बचा जा सकता है। ठीक है, तो जहाँ बच जाओ ठीक है, क्योंकि ये वैसे भी 10 मार्क का क्वेश्चन है और दिमाग का दही कर देगा। तो अपने को वही बोला, आपको PhD नहीं करनी है फॉरेस्ट्री में, आपको ये भी ध्यान रखना है कि फॉरेस्ट्री में इतना एफर्ट मत दो कि पता पड़ा कि फॉरेस्ट्री तो स्ट्रांग हो गई लेकिन दूसरा जो सब्जेक्ट था उसका वाट लग गई। और GS और इंग्लिश वो 300-300 मार्क के, ये 200-200 के, वो 300-300 के हैं। सबसे जो कम मार्क अगर उनमें आ गए, आपके 150-150 से कम आ गए, तो वो बहुत दिमाग ख़राब करते हैं। उसका सबसे एक रिजल्ट तो मैं ही हूँ जो आपको वीडियो बना रहा हूँ। मेरे वहाँ उनके कम आ गए तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, क्योंकि फिर फाइनल में 5 मार्क 3 या 5 ऐसा कुछ था निकल गया। क्यों, वो होता ही कहीं ना कहीं आपको वो लॉस पड़ेगा। आप अगर आपके कहीं काम नहीं है आप मेंस निकाल लोगे, लेकिन रिजल्ट तो अपना इंटरव्यू का है ना, फाइनल तो वो भी निकालना है। और वहाँ इंटरव्यू में एक एक मार्क का रटना पड़ जाता है। फिर छोड़ो से, अब मुद्दा आता है इथनोबॉटनी, तो अपना यहाँ एंड हो गया। लेकिन एक जो पार्ट था इथनोबॉटनी के साथ साथ डेंड्रोलॉजी का, वो वाला पार्ट थोड़ा देख लेते हैं। डेंड्रोलॉजी में एक्चुअली कुछ होता नहीं है, एक प्लांट की या बॉटनी की एक ब्रांच है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या करती है कि देखो हमारे पास दुनिया में 2-4 पेड़ हों तो आप उनके कॉमन नेम से याद रख लो, कॉमन नेम ये बबूल है, ये नीम है, ये फलाना है, ये ढिकाना है। लेकिन दुनिया में जब हजारों लाखों टाइप के पेड़ हों, 5 लाख के ऊपर पेड़ हैं, तो इस टाइप में उनका कोई सिस्टम होना चाहिए उनके नाम का। ऐसा क्यों होना चाहिए, यानी कि उनके साइंटिफिक नेम क्यों होना चाहिए, या ऐसा कोई सिस्टम क्यों होना चाहिए? तो बोला पहला तो सिस्टम ये होना चाहिए कि उन्हें आइडेंटिफाई करना आसानी से हो जाए। दूसरा, उनके नाम का कोई सिस्टम होना चाहिए। ऐसा सिस्टम क्यों, यानी कि जिन्हें आज हम बोलते हैं साइंटिफिक नेम, वो क्यों चाहिए? क्योंकि ये ऐसा नाम होना चाहिए जो पूरी दुनिया जानती हो। जैसे आप नॉर्थ इंडिया में नीम बोलते हैं, साउथ इंडिया में कुछ और बोलते हैं, बांग्लादेश में कुछ और बोलते हैं, और अमेरिका में कुछ और बोलते हैं। तो पता पड़ा एक ही पेड़ के 50 नाम। मैं उसी को बोल रहा हूँ, वो भी उसी को बोल रहा है, लेकिन एक दूसरे की बात समझ में नहीं आ रहा कि ये किस पेड़ की बोल रहा है। तो साइंटिफिक नेम कॉमन होगा तो क्या होगा, दुनिया में वो कहीं भी हो सब जानते हैं कि ये कौन सा पेड़ है, तो कोई दिक्कत वाली समस्या नहीं आती है। ओके, इसके साथ और क्या हो? तो ये टैक्सोनॉमी क्या है, एक सिस्टम है इसके लिए। अब इसी टैक्सोनॉमी के साथ साथ फिर आपको लास्ट में आएगा हर्बेरियम, यानी कि टैक्सोनॉमी के सिस्टम टाइप इम्पोर्टेंस, और बाद में देख लेंगे अपन हर्बेरियम को। तो टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, एक अरेंजमेंट लॉ, मतलब हमने इन सिस्टम को एक अरेंजमेंट बनाया है, मतलब एक लॉ, एक रजिस्टर बनाया है, जिसके अंदर क्या करते हैं, हम सबसे पहले प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा पेड़ है। अगर उसको नाम पहले से है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हम उसको नाम देते हैं, और फिर हम उसको क्लासिफाई करते हैं, मतलब एक बड़ा सा जो फ्रेमवर्क है फ्लो चार्ट वाला, तो हम ये देख लेते हैं इस क्लासिफिकेशन में ये कहाँ बनेगा, तो हम उसको फैमिली या क्लास जो सी बन रही होगी वहाँ रख देंगे। तो इस टाइप से हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। इनके बकाया की डिटेल आपको नोट्स में पहले से दिया है। अब मुद्दा अपना क्या होता है, इसकी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, तो जो क्लासिफिकेशन है ना वो इसी टाइप से चलता है, किंगडम से लेकर के नीचे जीनस और स्पीसीज तक। ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आपको बस केवल नाम याद रख लेना, क्योंकि स्पीसीज जो जीनस क्या है वो क्या है, जो सिमिलर कैरेक्टर की जो स्पीसीज है, मतलब एक ह्यूमन बीइंग अलग स्पीसीज है, होमोसेपियंस अलग है, होमो इरेक्टस अलग है, होमो वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अलग है, लेकिन इनके कुछ कॉमन कैरेक्टर थे इसलिए इनका जो जीनस है वो केवल होमो है। तो इस टाइप से फिर कॉमन जीनस वालों की एक फैमिली होगी, कॉमन फैमिली वालों के जो कैरेक्टर होंगे उनके एक ऑर्डर में रखा जाए। तो इस टाइप से कैटेगरी है, और आपको बस केवल इतनी याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला इससे। आगे जाते हैं, मेन मुद्दा है कि इससे टेक्नोमी से इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहले तो ये होता है कि हम प्लांटों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें कोई अगर कल रास्ते में जा रहे थे कोई नया प्लांट मिल गया, हमें नहीं पता इसका नाम क्या है, तो हम आसपास के लोगों से पूछेंगे।
पता पड़ा कोई नहीं जानता है। तो ये जो टेक्नोनॉमिकल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर हम पूरी पूरी लिस्ट होती है सिस्टमेटिक, जाते हैं कि अच्छा पत्ती का शेप कितना है, प्लांट कितना है, पेड़ कैसा है, फ्लावरिंग कैसे है, उसके कैरेक्टर के हिसाब से जिसे हम की बोलते हैं उसके हिसाब से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो अगर इस प्लांट के बारे में पहले से कोई रिकॉर्ड है तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली सब कुछ मिलेगा। तो फिर जब हम उसकी फाइल पर पहुंच जाएंगे, जब इस पेड़ की फाइल निकलेगी जिसे बोलते हैं हर्बेरियम सीट, उस सीट में इसकी पूरी डिटेल होगी कि इसमें फ्लावरिंग कब आती है, फ्रूटिंग कब आती है, कहाँ नेचुरल हैबिटेट है, सब कुछ डिटेल मिलेगा, कैसे टेम्परेचर इन्वायरमेंट में ये ग्रो होता है। तो इस टाइप से हमें टैक्सोनॉमी से हमें उसको आइडेंटिफाई करने में आसान जाता है। दूसरा, अगर आपको कोई एंशियंट इंडिया की कोई फॉसिल मिल गया, एंशियंट टाइम के जब इंसान था भी नहीं, तो ऐसे फॉसिल्स की अगर स्टडी करनी है तो आप कैसे बता पाओगे कि ये किस प्लांट के हैं? तो आपको कम से कम पहले अपने पुराने प्लांटों की जानकारी हो जो आज के टाइम पे है, जो आज प्रेजेंट है, तभी आप पुराने को इनसे अलग कर पाओगे। तो ये हेल्प हमें करती है यानी कि नए ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी में। दूसरा, अगर आपको टैक्सोनॉमी मतलब आपने एक किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिसाइड कर रखा है, आपने आइडेंटिफाई कर रखा है कि ये जो कीड़ा है ये हमारे लिए हानिकारक है, तो जो क्वारंटाइन वाले होते हैं उनके पास पूरा रजिस्टर्ड होते हैं, उन्हें पता होता है कि ये टाइप के कीड़े को हमें देश में एंट्री नहीं करने देनी है, तो जब कोई कंटेंट आता है तो ये उसे कंट्रोल करते हैं। ब्रीडिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, मुद्दा वो ये है कि आपकी टेक्जोनॉमिकल इन्फॉर्मेशन से आपको ये पता है कि इस जीनस के अंडर ये स्पीसीज है। अब आपको उस पेड़ को लेकर के हर बार स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, आप रजिस्टर उठाओगे और आपको एक जीनस के अंदर जितनी भी स्पीसीज है उनके कैरेक्टर पता पड़ जाएंगे, और हर कैरेक्टर के हिसाब से आप अपनी ज़रूरत का पेड़ देख सकते हो। यानी कि आपको अगर मैंग्रोव में पढ़ना है तो आपको 100 पेड़ ढूंढने नहीं है, आप मैंग्रोव्स का रजिस्टर उठाओगे और वहाँ पर आपको पता पड़ जाएगा कि जिस कैरेक्टर की आपको रिक्वायरमेंट है वो किस मैंग्रोव्स की स्पीसीज में है। बस आपको इतना करना है कि वो बस स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए की लेके जाना और वो पेड़ को उखाड़ के ले आना है, उसकी आपको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जिसने एक बंदे ने जिसने कर दी पूरी डिटेल आ गई आपके पास। चलते हैं, पका की वही चीज़ें हैं। अब मुद्दा आता है लास्ट में हर्बेरिया, इसका एक बड़ा पार्ट है। जैसे मैंने आपसे बोला कि ये जो टैक्सोनॉमिकल स्टडी करते हैं तो वहाँ पर वो क्या करते हैं कि जो प्लांट है उसके कुछ सैंपल कलेक्ट करके रखते हैं, तो उन्हें जिस बिल्डिंग में रख लिया जाता है तो वहाँ पर जो बनता है स्टोर रूम वो बोल दिया हर्बेरियम। आपसे हर्बेरियम क्या होता है, उसके सिग्निफिकेंस क्या है, उसको मैनेजमेंट के क्या इशू होते हैं, ये फलाने ढिकाने चलती रहते हैं। और हर्बेरियम को कैसे किस सिस्टम में क्लासिफाई करते हैं ये सिस्टम नहीं पढ़ना है, क्योंकि भले ही पूछ लिया इनने लेकिन ये सिस्टम बहुत डिफिकल्ट जाएगा। अगर आप बॉटनी के नहीं हो तो बस की बात नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत चलता है, बेंथामाइन उकारा है, एंगुलर प्रिंटल है, उस वाल टिप्पो है, वो चलते रहते हैं। अब अपन यहाँ पर आते हैं, पहले समझते हैं कि हर्बेरियम होता क्या है। मान के चलो ये आपकी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग है तो इसके अंदर कुछ कमरे भी होंगे, कमरे के अंदर कुछ लोग भी होंगे। अब ये जो दो लोग हैं, मैम हैं, इन ये क्या कर रहे हैं कि इनने जंगल से जा कर के कुछ पेड़ों के सैंपल कलेक्ट किए थे, उन सैंपलों को एक पेपर है अपने A4 पेपर होता है, A4 साइज का, उसमें थोड़ा सा बड़ा डायमेंशन होता है, उसी पेपर पर ये प्लांट के जो सैंपल है उन्हें सुखा के चिपका रही है। अब ये पेड़ों के सैंपल को कैसे कलेक्ट किया गया इसे अपन आगे देखेंगे 2-3 स्लाइड बाद। इन्हें चिपका करके ये क्या करेंगे, एक स्टोर रूम में रख देंगे। तो ये जो स्टोरेज बनाया इसी को बोलते हैं हर्बेरियम। तो ये स्टोर में केवल प्लांट के सैंपल ही नहीं चिपके होंगे, उस प्लांट के सैंपल के साथ उनके कंपोनेंट, अगर फ्रूट है तो पॉलीथिन में फ्रूट भी चिपका होगा, रूट है तो एक पॉलीथिन में वो रूट भी भर के इस पेपर के साथ स्टेपल कर दिया गया होगा। तो इस टाइप से एक बॉक्स में, अगर जब ज़्यादा हो जाता है तो ना एक बॉक्स में रख दिया और हर्बेरियम बना देते हैं ऐसा, मतलब एक जगह जहाँ पूरे पूरे सैंपल्स इकट्ठे किए गए हैं। अब मुद्दा आता है कि अपनी आखिर ये सैंपल कलेक्ट कैसे किए गए, यानी कि आपको एक हर्बेरियम में क्या मिला, वैसे जो हर्बेरियम जो आपने सीड की थी ये एक पेपर है अपना, इसमें प्लांट के पार्ट है और ये देखो सीड वगैरह होंगे तो यहाँ रख दिया और इस टाइप का ये पूरा पूरा रख दिया। ये देखो जब कोई किसी के बड़े हो जाते हैं तो एक पेड़ में कर दिया अपन ने, इस टाइप के बॉक्स में कर देते हैं, जिसकी कोई इशू नहीं है उसे फाइल में रख देते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं कि आखिर हम सैंपल कलेक्ट कैसे करते हैं। तो मान के चलो आप जब जंगल जंगल खेलने गए थे, जंगल सफारी के लिए, तो आपने वहाँ से जा करके कोई प्लांट स्पीसीज कलेक्ट की, उसका पार्ट तोड़ा। अब यहाँ पर अपने जो दा हिंदू की रद्दी होती है ना वो पूरी पूरी यूज होती है। उस प्लांट को अपन दा हिंदू के पेपर को खोलते हैं, उसके अंदर उसे दबा करके पेपर बंद कर लेते हैं, ऐसा इसलिए कि वो चीज़ें डिस्टर्ब ना हो।
और फिर इसका बना लेते हैं एक बड़ा सा पुलंदा। इसके साथ साथ और क्या करते हैं, वो प्लांट कहाँ मिला, उसकी हाइट कितनी थी, फ्लावरिंग क्या हो रही थी नहीं हो रही थी, जब कलेक्ट कर रहे थे तो सीजन क्या था, क्या टाइम था, पोजीशन लोकेशन जियो लोकेशन मोबाइल से देख लेते हैं। 1 मिनट, सॉरी, बीच बीच में कहीं ना कहीं बायोटिक फैक्टर आ जाते हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो इस टाइप का आपने वहाँ का जो डाटा है वो कलेक्ट कर लिया, और कलेक्ट करने के बाद आप क्या आ गए, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि एक बार वो यहाँ पर ऑफिस में आ गया, फिर इसके बाद उसकी पोजीशन पता पड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो कहाँ से उखड़ा। अब आप एक बार जब लेके आ गए, तो फिर जो अपन आ गए रूम पे आ गए, यानी कि वो अपन बिल्डिंग में आ गए, ऑफिस में आ गए, तो ऑब्वियसली अपन ने पेपर में सही से नहीं रखा होगा, तो जब यहाँ आते हैं तो उससे साफ़ सफाई करके बहुत अच्छी तरह से पेपर के अंदर दोबारा से पेपर के अंदर रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसके बीच की मॉइस्चर निकालनी है, क्योंकि अगर मॉइस्चर बनी रहेगी तो इस पर फंजाई ग्रो कर जाएगी, तो हम चाहते हैं कि इसे सुखा दें जिससे ये लंबे टाइम तक प्रिजर्व किया जा सके। तो इसी वापस अच्छी तरह से पेपर में रख के इसे दबा देते हैं, प्रेशराइज कर देते हैं, जिससे ये थोड़ा प्रेशर, कुछ कुछ प्रेशर का फोर्स रहेगा, कुछ न्यूज़पेपर होगा वो सूख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करोगे, जब सूख गया उसको वापस पेपर पे, जो अपना A4 शीट जो बोल रहा था उस पे, इस पेड़ को रखोगे और इस पे जो अपना सूखा प्लांट था उसे उस पे चिपका दोगे, और उसकी जो डिटेल थी वो पूरी डिटेल यहाँ मेंशन करोगे। तो ये हो गई तुम्हारी हर्बेरियम सीट। अब इस हर्बेरियम सीट एक बार हो गई तो क्या करोगे, वो अपना पूरा पूरा लाइब्रेरी बना रखी थी उसमें रख दोगे, तो वो हो गया हर्बेरियम और ये हो गई हर्बेरियम सीट। अब हर्बेरियम सीट का एक डायमेंशन है, तो जो ऑब्जेक्टिव MCQ दे रहे हैं राजस्थान वाले, उन्हें उसका डायमेंशन याद रखना है, बकाए के लोगों को कोई लेना देना नहीं है। याद रह जाए बकाए के तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो कोई बात नहीं। तो अब मुद्दा है कि हर्बेरियम है क्या। मैंने डेफिनेशन आपको स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो याद नहीं होती आपको। अब आपको समझ में आ गया कि हर्बेरियम है क्या। हर्बेरियम इज ए कलेक्शन ऑफ ड्राइड स्पेसिमेन एंड अरेंज ऑफ स्पेसिमेन इन अ सीक्वेंस ऑफ एक्सेप्टेड सेट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये एक्सेप्टेड सेट ऑफ क्लासिफिकेशन कैसे होता है, यहाँ पर आप लोकल के हिसाब से कर सकते हो, सिस्टम का क्लासिफिकेशन कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं कि कुछ लोगों ने क्या कर दिया कि देखो हमारे पास ना ये जो बॉक्स हैं वो अलग अलग ब्लॉक कर दिए, एक ब्लॉक में हमने वो प्लांट रखे जो MP से कलेक्ट किए गए, दूसरे में जो हरियाणा से है, तीसरे में जो उत्तराखंड के है। तो आप इस टाइप का एक एक्सेप्टेड सेट है कि हम स्टेट वाइज रखेंगे, जिससे हमें पता पड़े कि कौन से स्टेट से क्या क्या बायोडाइवर्सिटी है। दूसरा मुद्दा हो सकता है आपके लिए, आप ऐसे कर सकते हो कि ट्री को अलग कर लो, हर्ब को अलग कर लो, सिरप को अलग कर लो, तो इस टाइप का आपका कलेक्शन अलग हो सकता है। तो इस टाइप की जो भी आपका एक्सेप्टेड सेट है उसके अकॉर्डिंग चलते हुए, दूसरा जो टेक्सोनॉमिकल एक्सेप्टेड सेट सिस्टम है वो थोड़ा अलग हो जाता है, वो बहुत डिफिकल्ट है, वो फिर जीनस और स्पीसीज के अकॉर्डिंग चलता है। अब मुद्दा आता है हर्बेरियम का इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहला तो यह है कि एक हर्बेरियम ना केवल आज के प्रेजेंट टाइम की जो स्पीसीज है, जबकि एंशियंट फॉसिल्स टाइप की आपको पूरा का पूरा जीनोटाइप, पूरा पूरा डाटा एक ही बिल्डिंग में एक ही छत के नीचे मिल जाता है, मतलब वन पॉइंट पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई। दूसरा, अब एक ही जगह होता है तो जो रिसर्च एजुकेशन है, टीचिंग है, पब्लिकेशन का काम ये भी करते हैं ये हर्बेरियम। दूसरा, अब एक तो यह है, अब मान के चलो मुझे कोई ब्रीडिंग करनी है, ट्री ब्रीडिंग, मुझे एक स्पेसिफिक जीनोटाइप की खोज चाहिए थी, तो मैं क्या जंगल जंगल खेलूंगा? नहीं, मैं हर्बेरियम में जाऊंगा और वहाँ पर स्पीसीज के करेक्टर के अकॉर्डिंग लिस्ट ढूंढूंगा कि कहाँ कहाँ टीक के पेड़ हैं, और ये उसके हिसाब से आइडेंटिफाई करके मैं हर्बेरियम सीड से मुझे लोकेशन पता पड़ जाएगी और मैं उस लोकेशन पे जाके उसका नेचुरल प्लांट को ले आ सकता हूँ। तीसरा, हर्बेरियम सीड का मैंने बता दिया कि उस प्लांट के बारे में पूरी डिटेल बता देता है, तो हमें कोई दोबारा से कोई बहुत लंबी चौड़ी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होती। ये भी पता होता कि ये कहाँ पर लोकेशन है, इसकी कैरेक्टर क्या है, फ्लावरिंग कब है, फ्रूटिंग कब है, सब कुछ डिटेल बता देगा। अगर हमें पैलियोबॉटनी वाले यानी कि पुराने जो पेड़ आज नहीं होते हैं फॉसिल्स वाले की स्टडी करनी है तो वो भी यहीं मिल जाएंगे। और इन सब का एक मॉडर्न टाइम में क्या है, ये बहुत सारा एक पंच डाटा प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कंप्यूटर में डाल के आज के टाइम पे मॉडर्न डाटा बेस बनाने लगे हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। अब हर्बेरियम के प्रॉब्लम या चैलेंजेस क्या है, तो चैलेंजेस देख लो, हम उसके स्टेक होल्डर कौन है। पहली है गवर्नमेंट, दूसरे हैं जो लोग उसमें है जॉब कर रहे हैं, और तीसरे जिनके लिए इम्पोर्टेंस है, स्टूडेंट और साइंटिस्ट और सोसाइटी।
तो देखो गवर्नमेंट आजकल फंड नहीं दे रही है, बोले अरे क्या हर्बेरियम खाली पीले की चीज़ है, ऐसे तुम पुराने पुराने पेड़ इकट्ठे करके रख रखे हुए होते हैं उसमें, और कुछ होता नहीं है उसमें, घुसो तो बदबू घर आती है क्योंकि कुनेल वगैरह बहुत डालते हैं वहाँ। दूसरा स्टेकहोल्डर है जो जॉब कर रहा है, तो वहाँ जॉब एक्चुअली सॉरी तो उनका जॉब करने का पैसन नहीं है, वो शौक से नहीं कर रहा है, वो केवल सैलरी के लिए कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी ऐसे ही कर रहा है, हाँ बहुत सारे पैशनेट होते हैं बिल्कुल शौक से करते हैं, डर करते हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी सिस्टम हो, चाहे बैंक हो, चाहे इस टाइप के सिस्टम हो, चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, वहाँ लगभग 50-60% लोग जो है वो केवल पेमेंट के लिए कर रहे हो। अगर उन्हें कोई उससे बेटर पेमेंट का ऑप्शन मिल जाए तो वो जॉब छोड़ करके ना घर पर सोने का काम करते हैं। तो स्टेक होल्डर को देख लेना, नोट्स में मिल जाएगा आपको बका के, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे स्पेशल हो। अब इसके साथ आपको नोट्स में तीन टर्म और मिल जाएंगे, एक होता है म्यूजियम, दूसरा बॉटनिकल गार्डन, तीसरा जूलॉजिकल पार्क। इन्हें जस्ट थोड़ा देख लेते हैं। तो बॉटनिकल गार्डन होते क्या है? बॉटनी मतलब प्लांट, गार्डन मतलब प्लांट प्लांट का बगीचा। तो आप करते क्या हो कि बहुत सारे जंगल से जो पेड़ उखाड़ के लेके आए हो, यानी कि कोई पेड़ ख़त्म होने वाला है उसको लेके आए हो, अब उसको कहीं तो आपको रखना है, आपके पास ऐसी क्या जगह हो गवर्नमेंट के पास जहाँ उस प्लांट को प्रिजर्व कर रहे हैं? क्या वो आपके जो सिटी के जो पार्क है उनमें लगा दें जिससे बच्चे उनके ऊपर चढ़ के तोड़ दें, या फॉरेस्ट में ही कहीं लगाएं? तो कोई तो जगह हो जहाँ उन्हें लगाया जा सके, तो उस जगह का नाम है बोटेनिकल गार्डन। मतलब आप ऐसे एक एरिया बनाते हो, इनक्लोज एरिया है जिसमें इन पेड़ों को लगाया जाता है, उनका पूरी तरह से कंजर्वेशन किया जाता है, वहाँ पर पूरी स्टडी की जाती है, उनकी ब्रीडिंग की जाती है जिससे पॉपुलेशन बढ़े। और जो आपने एक्जोटिक जो बाहर के प्लांट लेके आ रहे थे, वो भी प्लांट पहले डायरेक्ट फार्म में नहीं आते, वो प्लांट पहले इन बॉटनिकल गार्डन्स में आते हैं और यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं, यहाँ पर उन पर ट्रायल किए जाते हैं, इसके बाद ही वो फिर बाद में आते हैं। तो बॉटनिकल गार्डन बॉटनी वालों के भी होते हैं, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के और फॉरेस्ट्री वालों के भी होते हैं। इसके साथ अपना दूसरा जो आता है वो है म्यूजियम। म्यूजियम में क्या फ़र्क है? देखो बॉटनिकल गार्डन में लिविंग थिंग है, जबकि म्यूजियम में जो डेड थिंग है उनको इकट्ठा कर रखा है, ये लिविंग नहीं है। लेकिन ये हर्बेरियम से कैसे अलग है? मतलब अगर प्लांट का म्यूजियम ले लो, अगर प्लांट का म्यूजियम ले लोगे तो उसमें क्या होगा, प्लांट ही रखे होंगे लेकिन वो सबके सब डेड वाले। अब तो इस टाइप से आप प्लांट का हर एनिमल हर जो म्यूजियम है वो आपको यहाँ दिख ही रहा है, जिसमें केवल एनिमल की डेड बॉडी रखी है। ये फॉरेस्ट्री वालों का म्यूजियम है, ये भाई यहाँ पर ये FRI के जो म्यूजियम है ये बहुत बड़ा वाला लॉग रखा है ना, उसके बगल में फ़ोटो खिंचा के आया है, पता नहीं नेट से लिया है। फॉरेस्ट्री के में क्या टिम्बर दिखाएंगे, इस पेड़ के टिम्बर का ऐसा होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, तो इस टाइप के आपको फॉरेस्ट के दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये तो बता दिया जाएगा कि ये टीक का टिम्बर है और इसके कैरेक्टर ऐसे हैं, लेकिन आपको एक्चुअली जो टैक्सोनॉमिक इन्फॉर्मेशन है कि टीक की ये स्पीसीज है, ये यहाँ ग्रो होती है, इसमें फ्लावरिंग ये है, फ्रूटिंग ये है, ये सब नहीं बताएंगे, वो बताएंगे हर्बेरियम। जबकि यहाँ टिम्बर में क्या डेड चीज़ें यहाँ भी है हर्बेरियम की तरह, लेकिन वो वैसी इन्फॉर्मेशन नहीं बताती, ये फिजिकल चीज़ें स्थिति देखने में जो आम आदमी के काम की है वो दिखाते हैं कि भाई देखो ठीक ऐसा होता है, बस ख़त्म काम निकल लो। तो म्यूजियम में डेड चीज़ें हैं लेकिन नॉर्मल, टैक्सोनॉमी जो होगी यानी कि अपना जो हर्बेरियम है उसमें भी डेड उसमें सॉरी हर्बेरियम है उसमें भी डेड चीज़ें हैं, बट उनमें टैक्सोनॉमिक इन्फॉर्मेशन है, और जो अपना बॉटनिकल गार्डन है उसमें लिविंग थिंग्स हैं। इसके साथ अब ये बॉटनिकल गार्डन तो होगा किसके लिए? प्लांट के लिए, एनिमल के लिए भी तो कुछ होगा, तो उसके लिए होते हैं जूलॉजिकल पार्क। जैसे UP वाले हैं, इन्होंने ये लायन सफारी खोली कहाँ, इटावा में। अब वो अलग बात है कि भाई पॉलिटिक्स में है तो कुछ भी कर सकते हैं, तो लायन को लेके आ गए, मर गया बेचारा। तो अब ये मेन मुद्दा अपना उससे नहीं था, मेन मुद्दा था लायन सफारी क्या है। देखो आपके होते हैं यानी कि जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं, तो आपको पता है जू क्या होती है, चिड़ियाघर क्या होते हैं, बट चिड़ियाघर छोटे एरिया है। अगर उसी एरिया को 100 टाइम या 200 टाइम बढ़ा दिया जाए, पूरे दिल्ली जितना एरिया है, इसमें वो जो एनिमल हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, मतलब कोई नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, इतने बड़े भी नहीं है,
लेकिन ये ऐसे है 100 हेक्टर या 200 हेक्टर में फैला हुआ है, 1000 हेक्टर का एरिया है, उसमें लोग गाड़ी से जा करके घूमते भी हैं। तो ये जो बड़ा एरिया इसे बोल देते हैं जूलॉजिकल पार्क, क्योंकि इसमें अलग अलग, बस ये है चिड़ियाघर से थोड़ा बड़ा होता है तो एनिमल को ज़्यादा फ्रीडम होती है। ओके आगे चलते हैं, तो यहाँ पर अपने डेंड्रोलॉजी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है।